बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूं बीफ कढ़ाई। तो बहुत सिंपल सा मेथड है इसे बनाने का, चलें स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 केजी मैंने लिया है गोश्त, ठीक है, और प्याज, दही, टमाटर और ये सब्ज़ मिर्च, लेमन और धनिया मैंने ऐसे काट के रखा हुआ है, छोटी बड़ी इलायची और दालचीनी, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट और दूसरे जितने भी मसाले वो मैंने रखे हुए हैं, ये सारे हम अपनी आज की कढ़ाई में शामिल करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चूल्हे के ऊपर मैंने प्रेशर कुकर को रख दिया है, तो इसके अंदर हम डालेंगे गोश्त को। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखे हुए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग वो भी हम इसमें डाल देंगे, और रेड मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च, पानी हम इसमें 1 से 2 कप हम पानी इसमें डालेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके तो प्रेशर को लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। गोश्त को गलने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो देखें 15 मिनट के बाद हमने प्रेशर का ढक्कन उठाया है, तो देखें लग रहा है कि गोश्त गल चुका है। चलिए हम चेक करते हैं, बस थोड़ा सा पानी रह गया इसमें, वो हम सुखा लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है। तो अब हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे कढ़ाई, ठीक है, और इसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम अपना गोश्त इसमें डाल लेंगे। तो पानी नहीं जाना चाहिए, खाली आपने गोश्त निकालना है, जो पानी बच जाए वो बाद में आपने इसमें डालना है। तो गोश्त को देखिए सारा गोश्त डाल लिया, तो अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे टमाटर और दही। टमाटर और दही में आपने गोश्त को ऐसे फ्राई करना है। तो बहुत जल्दी खाने में नहीं करते, आराम से और प्यार से हमेशा खाना बनाते हैं। तो ज़ीरा हमने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है, और ये मिक्स मसाला बना के रखा हुआ है वो इसमें डाल दिया है, और काली मिर्च का पाउडर। ये 2-3 चीज़ें स्टार्ट में नहीं आप डालते, इसे एंड पे ही ऐसे डालना चाहिए। और हम इसमें लेमन निचोड़ देंगे 1 पूरा। लेमन और दही खाने के मज़े को बहुत ज़बरदस्त कर देते हैं। चलिए अब हम इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट आपने अच्छे से इसे फ्राई करना है। ये देखिए 10 से 15 मिनट फ्राई किया, तो देखिए कितना जबरदस्त कलर निकल आया है। ये तकरीबन हमारी कढ़ाई पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें ना जो हमने धनिया और दूसरा सामान जो काट के रखा हुआ था, जैसे हमने अदरक और धनिया, ये सारी चीज़ें हम ऊपर डाल देंगे। एंड पे ऐसे धनिया और चीज़ें डालने से ना खाने की लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो चलिए फाइनल हो चुकी है हमारी कढ़ाई, तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।